हमारे बॉलीवुड स्टार की बेटियां जितनी स्टाइलिश हैं, हमारे भोजपुरी स्टार्स की बेटियां भी उनसे कुछ कम नहीं हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं भोजपुरी स्टार्स की बेटियों से। जी हाँ, जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि भोजपुरी स्टार्स की बेटियाँ। बात करते हैं पाखी हेगड़े की। तो पाखी हेगड़े को देखने के बाद आप खुद कहेंगे, भाई ये तो अभी खुद काफ़ी कम उम्र की हैं, तो इनकी बेटियां कैसे इतनी बड़ी हो सकते हैं। जी हाँ, ये पाखी हेगड़े की ही बेटियां हैं, क्योंकि पाखी की शादी बड़ी ही कम उम्र में हो गई थी। आपको बता दें, इनकी ये दोनों खूबसूरत बेटियाँ काफ़ी स्टाइलिश हैं, काफ़ी हॉट मानी जाती हैं और काफ़ी खूबसूरत भी हैं। और ये दोनों अपनी मम्मी की तरह ही एक्ट्रेस हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी हैं। अब बात करते हैं रेवा किशन की। जी हाँ, रवि किशन की आँख की तारा है रेवा किशन। और रेवा ने जब अपने पापा से कहा कि वो फिल्म लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, तो उनके पापा ने उन्हें रोका भी नहीं। आपको बता दें कि रेवा काफ़ी खूबसूरत हैं और गर्ल नेक्स्ट डोर की इमेज वाली उनकी इमेज है, लेकिन रेवा काफ़ी स्टाइलिश भी मानी जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मनोज तिवारी की तरफ। जी हाँ, मनोज तिवारी और उनकी पत्नी का भले ही तलाक हो गया हो, लेकिन अपनी बेटी से काफ़ी क्लोज हैं मनोज तिवारी। आपको बता दें कि जैसे ही टाइम मिलता है वो अपनी बेटी से मिलना नहीं भूलते और वो श्योर करते हैं कि दिन में एक बार अपनी बेटी से ज़रूर बात करें। खैर, काफ़ी बिजी रहने के बाद भी वो अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना बिल्कुल नहीं भूलते। अब बात करते हैं भोजपुरी के सबसे बड़े विलन संजय पांडे की। जी हाँ, संजय पांडे की भी इकलौती एक बेटी है रुनझुन पांडे। रुनझुन पांडे मुंबई में पढ़ाई करती हैं और जैसे ही संजय पांडे को टाइम मिलता है अपनी बेटी को वो स्कूल से पिक करना बिल्कुल नहीं भूलते। जी हाँ, अपने सबसे फेवरेट कामों में संजय पांडे से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तब उन्होंने ये कहा था कि अपनी बेटी को स्कूल से पिक करना और उसके साथ आइसक्रीम खाना उनका सबसे फेवरेट काम है। अब आगे बढ़ते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ। तो अब आप ये कहेंगे, भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ के तो दो बेटे हैं, उनकी तो बेटी ही नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का परिवार ज्वाइंट फैमिली है और उनके छोटे भाई की बेटी है अदिति। जी हाँ, अदिति को लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ काफ़ी है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को कि अगर घर में कोई बात मनवानी है तो आप अदिति को आगे कर दीजिए, दिनेश अपने आप वो बात मान जाएंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने बच्चों से भी ज़्यादा अदिति को प्यार करते हैं और आपने कई ऐसी पिक्स में देखे होंगे, कई ऐसी फ़ोटोज़ देखी होंगी जहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ अदिति को काफ़ी प्यार करते भी नज़र। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की भी एक ही बेटी है कृति यादव, जो कि मुंबई में पढ़ाई करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पिता होने के बावजूद भी खेसारी लाल यादव अपनी बेटी का पैर छूकर ही बाहर निकलते हैं। जी हाँ, अपनी बेटी को खेसारी लाल यादव बहुत लकी मानते हैं। उनका कहना है कि जब से उनकी बेटी कृति उनके लाइफ में आई है, उनका जीवन ही बदल गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि घर के हर छोटे बड़े फैसले कृति यादव से पूछकर खेसारी लाल यादव लेते हैं। हाँ, जिसमें कृति की रजामंदी नहीं रहती है वो फैसले खेसारी नहीं लेते हैं। अपनी बेटी के लिए खेसारी इतने प्रोटेक्टिव हैं और इतने पजेसिव हैं कि अभी से उनके लिए उन्होंने बॉडीगार्ड लगा रखे हैं। अब बात कर लेते हैं यश मिश्रा और अंजना सिंह की बेटी अदिति के बारे में। जी हाँ, इनकी बेटी का भी नाम अदिति ही है और वो काफ़ी छोटी हैं और इन दोनों के आँख का तारा है। भले ही अंजना और यश दोनों अलग रहते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यश मिश्रा की बेटी अदिति उनके पास ही रहती हैं, ना कि उनके मम्मी के पास। जी हाँ, यश मिश्रा की बेटी अदिति अपने पापा के पास रहती हैं और अंजना को जब भी मिलने का मन करता है या अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है तो अंजना वहाँ चली जाती हैं। वैसे अंजना और यश दोनों सेपरेट रहते हैं और बेटी के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर अंजना अपने शूटिंग शेड्यूल में बिजी हैं तो यश अपनी बेटी अदिति के लिए टाइम निकालते हैं, और अगर यश बिजी हैं तो अंजना। तो देखा आपने, हमारे भोजपुरिया स्टार्स अपनी बेटियों के बगैर तो रह ही नहीं सकते।
यकीन है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।